पिछली बार मंत्री रहे अनुराग ठाकुर से लेकर पुरुषोत्तम रूपाला और नारायण राणे तक का पत्ता अब की बार कट गया, जबकि रवनीत सिंह बिट्टू को हारने के बावजूद मंत्री पद मिला है। वहीं कुछ ऐसे नाम भी हैं जिनके मंत्री बनने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन शपथ ग्रहण का न्योता उनको मिला ही नहीं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि पिछली बार ताकतवर मंत्री रहे अनुराग ठाकुर को इस बार शपथ ग्रहण का मौका नहीं मिला। अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं। ऐसा कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश से ही आने वाले जेपी नड्डा को मंत्री बनाया गया है। ऐसे में चार सांसदों वाले राज्य से दो दो मंत्री बनाना थोड़ा मुश्किल था। फिर ये भी कहा जा रहा है कि अनुराग ठाकुर को संगठन में कोई अहम जिम्मेदारी मिलने वाली है। मुझे लगता है जिनको भी मंत्रिमंडल में स्थान मिला है उनको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत पात्र लोग हैं जिनको मंत्रिमंडल में स्थान मिला और वो मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने में हर संभव प्रयास करेंगे और हम सबका प्रयास यही है कि हमारा भारत आगे बढ़े। मैं पुरुषोत्तम गोड़ाभाई रूपाला। वैसे पिछली मोदी सरकार में ताकतवर मंत्री रहे पुरुषोत्तम रूपाला को भी इस बार मौका नहीं मिला। गुजरात के राजकोट से जीत कर आए रूपाला राजपूतों पर अपने कमेंट को लेकर विवादों में घिर गए थे। माना जा रहा है कि इससे कई सीटों पर बीजेपी को दूसरे राज्यों में नुकसान हुआ। श्री नारायण कातुरन। उसी तरह महाराष्ट्र के रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से जीत कर आए नारायण राणे को भी खाली हाथ रह जाना पड़ा, जबकि पिछली मोदी सरकार में राणे एक कद्दावर मंत्री रहे हैं। अटकलें इस बात को लेकर भी थी कि मोदी सरकार में तेज तर्रार मंत्री रही स्मृति ईरानी को हारने के बावजूद मंत्री पद मिल सकता है। 2019 में अमेठी से राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी इस बार कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा से 1,67,000 वोटों से हार गईं। वैसे स्मृति 2014 में भी अमेठी में राहुल से हार गई थी, लेकिन तब भी उन्हें मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया गया था। आई रवनीत सिंह। वैसे हार कर भी मंत्री पद हासिल करने वाले नेताओं में पंजाब के रवनीत सिंह बिट्टू आते हैं। माना जा रहा है कि पंजाब में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बीजेपी लुधियाना से हारे बिट्टू पर दांव लगा रही है।